हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हॉर्नबिल बुक की पोएम, फर्स्ट पोएम अ फोटोग्राफ, रिटन बाय शेरली टॉल्सन। ये स्टूडेंट बहुत ही टचिंग सी पोएम है, बहुत ही इमोशनल कर देने वाली पोएम है, जिसमें पोएटेस अपनी मदर की फ़ोटोग्राफ को देखते हुए उन्हें याद करती हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें देखकर सैड फील करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वैन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड द लिटिल बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेंजा में जो पोएटेस हैं वो बताती हैं अपनी मदर के एक फोटोग्राफ को, वो देखकर कहती हैं। तो जो कार्डबोर्ड क्या होता है, कार्डबोर्ड होता है स्टूडेंट्स फोटोग्राफ। पुराने टाइम में किसी भी फोटोग्राफ को एक कार्ड पर चिपकाया जाता था और उसे एल्बम में लगाया जाता था। तो यहाँ पर फोटोग्राफ किस पे लगाया हुआ है, कार्डबोर्ड पे लगाया हुआ है। तो वो कहती हैं कि कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है कि ये फ़ोटोग्राफ किस समय का था, कैसा था। बताती हैं कि ये फ़ोटोग्राफ उस समय का था जब मेरी मदर 12 ईयर्स या उसके आसपास की थी और जब वो अपने अंकल के साथ, अपनी दो गर्ल कजिन्स के साथ सी हॉलीडे पे गई थी। तो क्या हो रखा था वहाँ पे, वैन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। पैडलिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, पैडलिंग होता है कि जब हम कहीं सी हॉलीडे पे जाते हैं तो वहाँ शैलो वाटर में जब हम नंगे पांव चलते हैं तो उसे पैडलिंग कहते हैं। वॉकिंग विद बेयर फीट इन शैलो वाटर इज़ कॉल्ड पैडलिंग। तो वहाँ पर दो गर्ल्स थी जो पोएटेस की मदर की कजिन्स थी और वो तीनों मिलकर सैलो वाटर में पैडलिंग कर रही थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। वहाँ फोटोग्राफ में देखकर लगता है कि जो दोनों लड़कियाँ थीं, गर्ल्स थीं, उन्होंने पोएटेस की मदर के हैंड्स को पकड़ा हुआ था, एक एक हाथ को दोनों ने पकड़ा हुआ था। एंड शी द बिग गर्ल, और वो बड़ी लड़की थी, मीन्स जो पोएटेस की मदर थी फोटोग्राफ में, उन तीनों में सबसे बड़ी हैं। सम 12 ईयर्स और सो, जिस समय ये फ़ोटोग्राफ क्लिक कराया गया है, किया गया है, उस समय उनकी मदर की जो एज थी वो करीब 12 वर्ष, 12 ईयर्स के आसपास की थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। थ्रू देयर हेयर का मतलब यहाँ पे कि जब सी पर जाते हैं तो वहाँ थोड़ी तेज हवा चलती है, तो उस समय भी ऐसा ही वेदर था, विंडी जो वेदर था, वहाँ हवा चल रही थी, तो हवा चलने की वजह से उनके जो बाल हैं उनके फेस पर आ रहे थे और तीनों गर्ल्स उन हेयर के बीच में से स्माइल कर रही थी। स्माइल क्यों कर रही थी, एट द अंकल विद द कैमरा। जो अंकल थे पोएटेस की मदर के, जो अंकल थे जो कैमरा पकड़े खड़े हुए थे एक पिक्चर क्लिक करने के लिए, तो उन्हें देखकर वो स्माइल कर रही थी। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब हमारा कोई पिक्चर क्लिक कराया जाता है तो हम स्माइल करते ही हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। पोएटेस बताती हैं कि मैं उस समय पैदा भी नहीं हुई थी, मेरे पैदा होने से पहले मेरी मदर जिस समय ये फोटोग्राफ क्लिक कराया था जब वो 12 ईयर्स की थी, तो उनका फेस बहुत ज़्यादा स्वीट था। नॉर्मली ऐसा होता भी है स्टूडेंट्स कि जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रेन होते हैं, उनके फेस बहुत स्वीट होते हैं, और जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है स्ट्रेस की वजह से और टाइम पास होने की वजह से वो बड़े होते जाते हैं और उनके चेहरे की जो स्वीटनेस है वो थोड़ी कम होती जाती है। आपने अपने घरों में देखा होगा स्टूडेंट्स, आपके जो पेरेंट्स हैं जब वो अपनी चाइल्डहुड डेज में होते हैं, जब उनके आप फोटोग्राफ देखेंगे तो उनके फेसेस जो हैं बहुत स्वीट लगते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं देखने में, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, समय गुजरता जाता है और स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर आ जाती हैं, तो उनके जो चेहरे और दूसरी जो फिजिक
है उनकी, उसमें चेंजेस आ जाते हैं थोड़े के। आगे कहती हैं, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। तो आगे पोइटेस कहती हैं कि जो समंदर है, सी है, उसमें कोई ज़्यादा खास चेंजेस नहीं आए हैं, उसमें कोई चेंजेस बदलाव नहीं आए हैं। जो फोटोग्राफ में वो समुद्र को देखती हैं, सी को देखती हैं, तो जैसा फोटोग्राफ में है वैसा ही सी उन्हें उस समय दिखाई देता है जब वो कभी सी बीच पर घूमने के लिए जाती हैं। और लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, लेकिन जो रेत पर उनके पैरों के निशान बने थे वो निशान अब वहाँ से समुद्र ने वॉश आउट कर दिए। इसका एक डेप्थ में मीनिंग और है स्टूडेंट, कि जो इंसान होते हैं, जो ह्यूमन होते हैं, वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, थोड़े टाइम के लिए आते हैं, और ट्रांजिएंट का जो मतलब होता है लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड, मींस इम्परमानेंट। जो ह्यूमन होते हैं वो इम्परमानेंट होते हैं, मींस एक निश्चित उन्हें एज कंप्लीट करने के बाद इस दुनिया से जाना पड़ता है। तो जो उनकी मदर हैं और जो उनकी जो गर्ल्स हैं, दोनों कज़िन हैं मदर की, वो अब चेंज उनमें तो बहुत सारा चेंजेस आ गए हैं, लेकिन सी में अभी ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, सम 20-30 ईयर्स लेटर शीड लाफ एट द स्नैपशॉट सी बैटी एंड डॉली सीड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर बोथ राय विद द लेबर इज ऑफ लॉस। तो जब उनकी मदर 20 या 30 साल के बाद, मींस उनकी जब एज 32 या 42 ईयर्स के आसपास की हो गई होगी, तो उनकी मदर उस फोटोग्राफ को देखकर हंसा करती थी, जब उसे देखती थी और हंसती थी। स्नैपशॉट का मतलब होता है स्टूडेंट फोटोग्राफ, तो उस फोटोग्राफ को देखती थी और उसे देखकर हंसा करती थी और कहती थी कि बेटी को देखो, डॉली को देखो। और वो आगे कहती थी कि देखो, हमारे पेरेंट्स ने हमें सी हॉलीडे के लिए किस तरीके से ड्रेसअप किया था। मीन्स जब उनकी सी हॉलीडेज हुआ करती थी, छुट्टियां होती थी, तो वो अक्सर हॉलीडे स्पेंड करने के लिए सी पर जाती थी और उन्हें उसी से रिलेटेड ड्रेसअप किया जाता था, ड्रेस पहनाई जाती थी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। अब यहाँ इस लाइन से स्टूडेंट्स जो पोएटेस हैं वो थोड़ी सी उदास हो जाती हैं। क्या हो जाता है उनके अंदर, क्या सैडनेस आ जाती है, कि जो सी हॉलीडे है वो उनकी मदर के लिए पास्ट बन चुका है, क्योंकि अब वो जो फोटोग्राफ जब देखा करती थी तो उस समय उनके बचपन के वो दिन उन्हें याद आते थे, लेकिन वो जो चाइल्डहुड थी, उनकी जो मेमोरीज थी, वो तो उनके साथ थी, लेकिन वो दिन उनके साथ नहीं थे, वो पास्ट बन चुका था। लेकिन पोइटेस के लिए क्या था, माइन इज़ हर लाफ्टर, मीन्स अब मेरे लिए, पोइटेस के लिए उनकी हंसी, यानी उनकी मदर की जो हंसी थी, अब वो पास्ट बन चुकी थी, मीन्स इस दुनिया में अब उनकी मदर नहीं रही थी। बोथ राय विद द लेबर इज ऑफ लॉस। राय का मतलब होता है स्टूडेंट डिसअपॉइंटेड, निराश हो जाना। अब दोनों के लिए ही डिसअपॉइंटेड करने वाली कंडीशन थी, कि जो चीज़, लेबर्ड का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्क, ईज़ का मतलब होता है कंफर्ट या इजीली कोई चीज़ मिल जाना, और लॉस का मतलब होता है खो जाना। तो जो चीज़ उन्हें बहुत मुश्किल से, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद मिली थी, उसका लॉस बहुत ही इजीली, बहुत कंफर्टेबली हो गया। ये नेचर है, नेचर में इंसान पैदा होते हैं और अपनी पूरी एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ को लीड करते हैं, लेकिन बहुत आसानी से, बहुत कंफर्टेबली उनकी लाइफ का एंड हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। तो बोथ राय विद द लेबर इज ऑफ लॉस का मतलब यही है स्टूडेंट्स, कि कोई चीज़ बहुत मेहनत से मिलना, लेकिन जब उसका लॉस हो जाना हो जाता है, तो उसका हमें पता भी नहीं चलता। नेक्स्ट स्टेंजा है, नाउ सी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट लिटिल गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल इट्स साइलेंस साइलेंसेस। तो अब यहाँ पोइटेस कहती हैं कि अब उनकी मदर को मरे हुए काफ़ी साल बीत गए हैं,
और करीब उतने ही वर्ष बीत गए हैं जितने वर्ष की वो लड़की थी उस फोटोग्राफ में, ऑलमोस्ट 12 ईयर्स। कितने साल की थी स्टूडेंट्स? वो ऑलमोस्ट 12 ईयर्स की थी जब वो फोटोग्राफ क्लिक कराया गया था। तो पोइटेस बताती हैं कि उनकी मदर को अब मरे हुए काफ़ी टाइम बीत गया है, करीब 12 वर्ष बीत गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और ये जो कंडीशन है, जो सर्कमस्टांस है, जो परिस्थिति है, अब इस परिस्थिति की वजह से मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो पोइटेस बहुत ज़्यादा यहाँ अपने आप को सैड फील करती हैं और कहती हैं कि ये जो कंडीशन आ गई है कि मेरी मदर अब मेरे पास इस दुनिया में नहीं है, और इस सर्कमस्टांस की वजह से मेरे पास अब कहने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, और जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो कंडीशन है, इस कंडीशन से चारों तरफ खामोशी ही खामोशी छा गई है। मेरे पास अब कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा है। तो स्टूडेंट, बहुत ही टची सी और बहुत ही इमोशनल कर देने वाली सी एक पोएम है, जिसमें पोइटेस अपनी मदर की फ़ोटोग्राफ को देखती हैं और उन्हें मिस करती हैं। आइए अब इनके हम लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो लिटरेरी डिवाइसेस के लिए फर्स्ट स्टेंजा में आएंगे हम। फर्स्ट स्टेंजा में पहला है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। इस स्टेंजा को देखेंगे तो जो सबसे पहली डिवाइस इसमें यूज़ हो रही है स्टूडेंट्स, वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन होता है सेम कंसोनेंट साउंड रिपीटेड विद टू कंसेक्यूटिव वर्ड्स। तो यहाँ पे दो जब कंसोनेंट साउंड रिपीट होते हैं किसी वर्ड के शुरू में, तो उसे कहते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यहाँ देखिए थर्ड लाइन में है, माई मदर, तो माई मदर, माई का एम और मदर का एम यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स? एम साइंड म साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये है यहाँ पे एलिट्रेशन। दूसरी जो इसमें पोइटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस यूज़ हो रही है, वो है इंजैमेंट। इंजैमेंट क्या होता है स्टूडेंट? इंजैमेंट होता है कि जब पोएम में दो लाइन एक के बाद एक दे रखी हो और पहली लाइन कंटिन्यू हो रही हो दूसरी लाइन में, पहली लाइन का जो सेंटेंस है वो कंटिन्यू हो रहा हो और फर्स्ट लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क भी ना दिया गया हो। तो फर्स्ट लाइन देखिए, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। तो फर्स्ट लाइन जो है वो यहाँ पर कैरी कर रही है आगे के लिए, तो ये क्या है यहाँ पे? एंजॉयमेंट है। नेक्स्ट है इसमें, अगली लाइन देखिए, सम 12 ईयर्स और सो All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. तो यहाँ आप देखेंगे through their hair all at the uncle with the camera। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? Enjambment हो रहा है कि third और fourth line में, fifth और fifth line में क्या हो रहा है? Enjambment है, जिसमें एक sentence को आगे carry किया जा रहा है। फिर next है इसमें जो पोएटिक डिवाइस जो यूज़ हो रही है वो स्टूडेंट, वो है इसमें एपिथेट। एपिथेट क्या होता है स्टूडेंट? एपिथेट होता है कि जब पोएम में किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज़ हो जाता है, जब एडजेक्टिव यूज़ होता है तो उसे हम कहते हैं एपिथेट। तो इसके फर्स्ट स्टेंजा के लास्ट लाइन देखेंगे तो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। तो फीट यहाँ पर नाउन है जिसको एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मैंने बताया आपको, ट्रांजिएंट मींस लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड और इम्परमानेंट। तो जो उनके फीट हैं, जो ह्यूमन हैं, वो इम्परमानेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस है इसमें? एपिथेट है। नेक्स्ट स्टेंजा में आएंगे, सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। अगेन इसमें क्या हो रहा है? एंजॉयमेंट का यूज़ हो रहा है कि सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। फर्स्ट लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क भी नहीं है और फर्स्ट लाइन का सेंटेंस सेकेंड लाइन में कैरी हो रहा है। नेक्स्ट आगे देखिए,
फिर अगली अगेन है सी बैटी एंड डॉली, सी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड आर फॉर द बीच। तो ये सारी लाइन्स में यहाँ तक क्या हो रहा है, एंजॉयमेंट यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स। फिर है आगे बोथ राइ विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, इसमें भी क्या हो रहा है स्टूडेंट, एंजॉयमेंट यूज़ हो रहा है। और नेक्स्ट जो इसमें पोएटिक डिवाइस यूज होती है स्टूडेंट वो है इसमें ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है, जब दो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स यूज़ होते हैं तो उसे हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। तो यहाँ लास्ट लाइन में आप देखेंगे लेबर्ड इज, लेबर्ड इज, लेबर्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, लेबर्ड का मतलब होता है हार्ड वर्किंग और ईज का मतलब होता है ईजीली कम्फर्टेबली। तो यहाँ पर दो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड यूज़ हो रहे हैं कि बहुत मुश्किल से जो उन्होंने कमाया था, जो बहुत मुश्किल से उन्होंने अचीव किया था, नेचर ने उस चीज़ को, उनकी मदर को बहुत ही ईजीली उनसे ले लिया और उन्हें इस लॉस का पता भी नहीं चला। तो नेक्स्ट जो स्टेंजा है स्टूडेंट्स उसमें क्या यूज़ हो रहा है, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज, तो एट दैट गर्ल लिव्ड एट द सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल इट्स साइलेंस साइलेंसेस। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में साइलेंस साइलेंसेस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एलिट्रेशन हो रहा है, स या एस साउंड इसमें रिपीट हो रहा है और इसमें एंजॉयमेंट का भी यूज हो रहा है, एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड। तो ये फर्स्ट और सेकेंड लाइन में क्या है, एंजॉयमेंट है। एंड दिस एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इस लाइन में भी क्या है, अगेन एंजॉयमेंट है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी और लिटरेरी डिवाइसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।